अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की नई मूवी जिसका नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ उसका ट्रेलर अभी आ चुका है उस ट्रेलर को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें हमें ट्रेलर से पता चलती है तो चलो शुरुआत करते हैं लेकिन पहले मैं मेरा थोड़ा सा एग्रिव्यू देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि यार ट्रेलर लंबा था और ट्रेलर में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पहले ही रिवील कर दी है अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ थिंग्स जैसे कि जो हमारे मेन विलन है उनका जो एंगल है वो थोड़ा सा हिडन रखा है उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा का जो एंगल है वो थोड़ा सा हिडन रखा है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो एकदम मेन मतलब उन्होंने एक मिस्ट्री एलिमेंट होता है जैसे कि टीजर में हमने पहले देखा था कि कुछ सुपर सोल्जर्स या फिर यू नो सुपर को बना रहे हैं तो उतना एंगल हमें पता था और ऐसा लग रहा था कि ये मूवी पूरी तरीके से उसके अराउंड ही फॉलो करेगी उसके अराउंड ही पूरी प्ले करेगी लेकिन एंड में जो में ट्रेलर के एंड में जो दिखा दिया है कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार का क्लोन बना के वो क्लोन को ही एक दूसरे से लड़वा रहे हैं मतलब अक्षय कुमार का क्लोन इज फाइटिंग द रियल टाइगर श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ का क्लोन इज फाइटिंग द रियल अक्षय कुमार तो ये इतना बड़ा जो उनका कुछ ट्विस्ट कह सकते या फिर कुछ बड़े एलिमेंट कह सकते हो उसको ट्रेलर में ही रिवील कर दिया तो दैट आई थिंक कि उसको हाइड करके कर रख सकते थे बट एनी और उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि आई नो वॉट दिस मूवी इज मतलब ये एक मसाला फ्लिक वही एक्शन फ्लिक होने वाली है जिसमें काफ़ी मास चीजी डायलॉग्स वगैरह होने वाले हैं तो हैविंग सेट दैट आई एम ओके विथ ऑल द चीज़ी डायलॉग्स इन दिस मूवी मतलब क्रिंज वाले डायलॉग्स इन दिस मूवी जो कि पहले मैं ऐसा इतना उससे इम्प्रेस नहीं था आई वॉज एक्चुअली हीटिंग इट लेकिन फिर मैं सोचा कि अच्छा ठीक है मूवी बनी ही उस तरीके से तो वी हैव टू जज द मूवी कि कैसे वो बनी है तो उसके हिसाब से इट्स ओके बट द अदर थिंग दैट आई हैव अ बिग इशू अबाउट इज कि मूवी का नाम क्या है बड़े मियाँ छोटे मियाँ मतलब ये स्टोरी होने वाली है दो लड़कों की या फिर दो यू नो एजेंट्स की जिसमें एक बड़ा है एक छोटा है एक अक्षय कुमार है एक टाइगर श्रॉफ है तो इन दोनों के बीच में कुछ बैंटर होना चाहिए इन दोनों के बीच में कुछ कमराडरी होनी चाहिए लेकिन इन दोनों के बीच में जितना भी हमें फुटेज दिखाया गया है उसमें से इतना कुछ यू नो उनका कुछ कनेक्शन लगता नहीं है मतलब उनकी जो भी केमिस्ट्री है वो इतनी अच्छी निकल के नहीं आ रही थी मुझे ऐसा लगा बाय द वे आ, ये वाला जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली बार कि वो एक दूसरे के साथ यू नो कन्वर्जेशन कर रहे हैं वहाँ पर मुझे क्यों लग रहा था कि इट वॉज़ अ वेरी फोस्ट कन्वर्जेशन काफ़ी फोर्स तरीके से ह्यूमर को इंजेक्ट करने की कोशिश करी गई है मुझे ऐसा लग रहा था और जो यू नो मैंने बोला कि जो एस्पेक्ट है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का जो फ्रेंडली बैंटर का वो मुझे वहाँ पर मिसिंग लगा लेकिन आई एम नॉट शोर शायद मूवी में जब हमें यू नो पूरा फुल फुल्ड में देखने को मिलेगा तब शायद से, वो पूरा बैंटर से निकल के आए लेकिन ओनली जजिंग फ्रॉम द ट्रेलर आई वॉज नॉट वेरी इंप्रेस विद टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की जो साथ में जो केमिस्ट्री थी उससे अब शुरुआत करेंगे मूवी के ट्रेलर के साथ और ट्रेलर को उसी तरीके से ब्रेकडाउन करेंगे जिससे हम हर हाँ वीडियो में करते हैं उसके फ्लो के हिसाब से तो। और मैं पृथ्वीराज सुकुमार के कैरेक्टर की बात करना तो भूल ही गया वो तो मूवी के विलन है एंड ही मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस मूवी यू नो बस उनका कैरेक्टर के सेंस से ही नहीं मतलब उनकी जो हिस्ट्री होने वाली जो उनके मोटिव्स होने वाले हैं उनके ही सेंस से नहीं

जो बैकग्राउंड में पीछे पहाड़ है इन पहाड़ों को देख के आप इस वाले शॉट को भी कनेक्ट कर सकते हो कि जहां पे हमें एक बड़ी सी यू you नो know, एक वैन दिखाई देती है एक ट्रक दिखाई देता है लेकिन जो पे वॉइस ओवर हमें सुनने को मिलता है उससे हमें कुछ ऐसा पता चलता है कि वहां पर पृछुराजम का जो कैरेक्टर है वो बोलते हैं वही होता है जिसको मौत का डर नहीं होता है जिसके कोई नाम नहीं होती पहचान नहीं होती जिसका कोई चेहरा नहीं होता है लेकिन उसका एक ही मकसद होता है वो है

आई डोंट थिंक जो कीमती चीज़ के बारे में पृथ्वीराज बात कर रहे थे वो कुछ और होगी क्योंकि जो कंटेनर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें पृथ्वीराज का कैरेक्टर वो सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं दैट कंटेनर इज क्वाइट स्मॉल और उस कंटेनर में आई हाईली डाउट की यू नो वो इतना बड़ा जो मास्क है वो बैठेगा फोल्ड करके डाल सकते हैं आई डोंट नो लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वैसी वो बात होने वाली है और ये डेफिनेटली हमें कुछ मिस करने की कोशिश थी ट्रेलर जिन्होंने एडिट कराया है उनकी पर हम यहाँ पे भी देख भी सकते कि यहाँ पर ये ब्रेक कर रहे हैं इस ट्रक के पीछे और इस ट्रक से ही उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली ये जो कंटेनर है वो निकाल के गए हैं और फिर जो हम आगे का वॉइस और सुनते हैं उसके बैकग्राउंड में हम ये दो चीजें देख सकते हैं एंड आई डो थिंक यही दोनों वो चीजें होगी जिसको पृथ्वीराज के कैरेक्टर ने एक्चुअली छुराया था और ये जो हम कुछ सीरम वगैरह देख सकते हैं तो ये डेफिनेटली वही सीरम होने वाला है जिसका इस्तेमाल करके पृथ्वीराज आगे जाके जो इन सुपर ह्यूम वगैरह है उनको बना रहे हो लेकिन आई मे बी कम्पलीटली ऑफ विद दिस और शायद से जो वेपन उन्होंने चुराया है इंडिया नामे से दैट कुड बी सम कोड्स जो कि यू नो मिसाइल्स को इग्नाइट करेंगे आगे जाके तो to... oh. वो भी एक पॉसिबिलिटी बनती है लेकिन आगे बढ़ेंगे और हमें देखने को मिलते हैं पहली बार सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर और सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उनके ऊपर आगे जाके हम देख सकते हैं कि उन्हें कैप्टिविटी में रखा गया है और उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं और आई डो थिंक कि वो मरने भी वाली है इस मूवी में आगे जाके उसके बारे में फिर से आगे जाके बात करेंगे पर एनी anyway, वेज जो मैं मिसाइल्स की बात कर रहा था वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे जो भी मिसाइल्स है उनको छोड़ा गया है और यहाँ पे फिर से हम जो पीछे वॉइस और में आवाज़ सुनते हैं वो पृथ्वीराज वहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारे पास बस तीन दिन है, तो शायद से ये मिसाइल का जो भी चक्कर है वो इन तीनों दिनों के बीच में ही कहीं तो भी स्टैंड किया होगा और कि यहाँ तो तो पे, पे लिखा हुआ है कि नॉर्दर्न हिमालयन कैंटोनमेंट यानी कि ये जो भी है रेजिमेंट होने वाली है हिमालय के आसपास और यहाँ पे फिर से वही सारे मिसाइल्स को टेक ऑफ करते हुए देख सकते हैं और ये वाला शॉट ना काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते जो पृथ्वीराज के आंखें वो एक स्प्लिट सेकेंड के लिए कलर चेंज कर देती है रेड में मतलब काली आंखों से उनके आंखें सच में लाल हो जाती है और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि इन्होंने खुद के ऊपर ही कुछ एक्सपीरियंस किए हम इस शॉट में देख सकते हैं ट्रेलर में आगे जाके लेकिन उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे तो ये फिर से वही सीन है जहाँ पे वो खड़े हैं और इनकी जो लैब है ये काफी टनल्स के बीच में होने वाली है जमीन के नीचे काफी सारे टनल होते हैं उसके बारे में भी आगे बात करेंगे फिर से अगेन वी कैन सी ऑल द मिसाइल्स और फिर पहली बार हमारे ट्रेलर में एंट्री होती है हमारे जो दो मेन प्रोटेगेस्ट होने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मैं ज्यादा इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा लेकिन बस इतना बताना चाहूंगा कि क्योंकि यहाँ पे एक्शन के बारे में भी अगर हम बात करना चाहेंगे तो उन्होंने काफी सारे कट्स मारे हैं बीच में जिसके वजह से पूरी तरीके से हमें एक्शन देखने को भी नहीं मिलता है जिसको हम ठीक से जज कर पाएंगे लेकिन ओके उसके लिए तो हम मूवी देख सकते हैं लेकिन इस पर्टिकुलर सीन की या फिर इस पर्टिकुलर शॉट की अगर मैं बात करूँ तो ये सीन होने वाला है कि जहाँ पे यू नो हमारे जो मेन दो कैरेक्टर्स होते हैं उनको पहली बार एस्टैब्लिश किया जाता है कि यू नो उनके पावर्स क्या हो सकती है और किस तरीके से दोनों यू नो साथ में काम करते हैं तो उसके बारे में जो एस्टैब्लिश करने वाला जो मिशन होता है वो ये मिशन होने वाला है जो हमें कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट में टेक प्लेस करते हुए दिखाई देगा क्योंकि इन सारे शॉर्ट्स के वजह से और ये वाला वो है शॉर्टेज पे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जो हमारे मिडिल ईस्ट में जो मिशन चल रहा है उस लोकेशन पे जाते हैं घोड़ों पे और यही पे टेक प्लेस किया था वो बैंटर जिसके बारे में बात कर रहा था जो मुझे काफी यू नो फोस्ट यूमर टाइप लगा तो इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैंने पहले उसके बारे में बात कर ली है फिर हमें ऐसा पता चलता है कि हमारे और दो फीमेल एजेंट्स भी होने वाले हैं जिसमें एक होने वाली है कैप्टन जिसका रोल प्ले किया है मनोज छिल्लर ने और दूसरी होने वाली है एक आईटी एक्सपर्ट जिसका रोल प्ले किया है अल एफ ने और वो एक अंडरकवर एजेंट भी होने वाली है और ये चारों की मिलके फिर बनती है टीम और फिर हमारी जो स्टोरी टेक प्लेस करने वाली है वो मेजरली टेक प्लेस करने वाली है लंडन में क्योंकि ऑब्वियसली हम वॉइस ओवर से तो वो बात सुन ही लेते हैं और यहाँ पे हमें लंडन का ब्रिज भी दिखाई देता है टावर ब्रिज और ये वाली जो लोकेशन है जहाँ पे हम पीछे कंटेनर्स देख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी अनदर इम्पोर्टेंट लोकेशन क्योंकि यहाँ पे काफी सारे फाइट सीन्स हम देखते हैं

इंड ऑफ एस्टेबलिंग की क्यों वो दोनों you know, का पालन नहीं करते हैं फिर और कंटेनर वाली लोकेशन पे ना बहुत सारी चीजें की फाइट सी तो है ही। लेकिन फिर आगे जाके हम देख सकते हैं कि पृथ्वीराज के कैरेक्टर ने एक्चुअली इन लोगों को पकड़ लिया है हमारे टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार मनुष्य शिल्लर और जो अल आई एफ का कैरेक्टर है उन सबको पकड़ लिया है और ये वाले जो शॉर्ट है इसको देख के हम कुछ ऐसी चीजेंश कर सकते हैं कि देखो देखो इस सीन के बिना दो मेजर पॉसिबिलिटीज है पहली पॉसिबिलिटी है ऐसी है कि, कि हमारे अच्छा बन के एंड में विलन लेकिन कुछ दूसरी पॉसिबिलिटी है कि विलन है और पहले से ही हिंदुस्तान की मिलिट्री इंड, का हिस्सा है और एक डबल रोल काइंड ऑफ प्ले कर रहा है मतलब एक ही रोल है लेकिन दो पर्सनैलिटी प्ले कर रहा है लेकिन पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो मोस्ट लाइकली चीज होने वाली है वो होने वाली है पहली वाली जिसमें मैंने की सेट होगी जिसमें पहले का कैरेक्टर एक नॉर्मल इंडियन आर्मी का आदमी होगा फिर बाद में वो बन जाएगा विलन क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं कि ये सारे मिलिट्री मैन को ये यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं और शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहां उनका सुपर सिलरम वाला जो भी आइडिया है वो शायद से नहीं पिच कर रहे होगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इनके बाल भी छोटी है और ये जो भी या, फिर जो भी पीछे हम वॉल्स uh, दिख रहे हैं आर वेरी सिमिलर टू टू दिस शॉट दैट वी गॉट सी और फिर हम देख सकते हैं कि जो सीक्रेट वाली लैब है कि इस लैब में कुछ बॉडीज रखी हुई है जिनको वो सुपर सोल्जर में तब्दील करने वाले है पृथ्वीराज का हाथ जहा पे वो एंटरप्रेस करते हैं इनिशियलाइजिंग ए और फिर उसके तुरंत बाद के शॉर्ट में हमें देखने को मिलता है कि जो सारे कंटेनर्स थे जिसमें बॉडी थी वो एक्चुअली बर्स्ट हो जाता है और वहां से सारे जो बॉडीज है वो बाहर निकलते होंगे फिर ये वाला जो शॉर्ट है इसके पीछे हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं से हवेली टाइप ही है तो आई थिंक ये वाला और ये वाला जो शॉर्ट है वो यू you नो know, एक ही बिल्डिंग होगी प्रॉबेबली और हाँ ये वाला जो आएगा ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके बारे में ज्यादा हम इन्फॉर्मेशन है नहीं और ये है सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर की सोनाक्षी सिन्हा को पकड़ लिया है और शी माइट बी द बेस्ट साइंटिस्ट उनके मतलब उनके टीम में जो होगी इसलिए उनको पकड़ लिया है और शायद से उनके ब्रेन से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर उन पर ही जो है ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और उन्हें रखा है कैप्टिव और जो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर उनका शायद से पहला मिशन हो सकता है कि इनको यू नो रेस्क्यू करने का और जिसमें वो फेल होते हैं क्योंकि इस शॉट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी की तो डेथ हुई है एंड प्रोबेबली सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर की ही डेथ हुई होगी यहाँ पे हम मनुष्यर को भी कुछ एक्शन करते हुए देख सकते हैं और अगेन फिर से वही कंटेनर वाली चीज और ये भी लंडन में ही शूट हुआ है क्योंकि पीछे हम जो जायंट व्हील देख सकते हैं दैट इज सिचुएटेड इन लंडन फिर कुछ बड़े स्केल पे भी एक्शन देखने को मिलने वाला है उसका भी अंदाजा हमें इस शॉर्ट से देखने को मिलता है दिस वॉज अनस्टिंग शॉर्ट क्योंकि यहाँ पे हम देखते सकते हैं कि पृथ्वीराज के कैरेक्टर ने खुद को नो एक्सपेरिमेंट कर लिया है खुद पे लेकिन इनके चेहरे पे अगर हम फोकस करें तो हमें पता चलता है मतलब हमें ठीक से पता नहीं चलता है कि क्या उन्होंने पहले से ही वो मास्क पहना हुआ है या फिर नहीं है अब देखो इसके भी दो इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं अगर हम पहले इसमें सोचे कि इन्होंने यू you नो know, मास्क पहनने की उन पर नौब दिखी हुई थी क्योंकि उन्होंने उन उन्हों पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया था जिसके वजह से उनका चेहरे में कुछ ऐसे यू नो अपॉर्मेलिटीज़ आ गई जिसके वजह से वो उन्हें मास्क पहना पड़ता है तो दिस कुड बी बिफ़ोर दैट सीन और अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि यहाँ पे इन्होंने पहले से ही मास्क पहना हुआ है एंड फिर उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया

और जो एंड में मैं सबसे बड़ी जो चीज़ इनकी रिवील करने की थी उसके बारे में बात कर रहा था कि जो क्लोन वाला जो भी इनका चक्कर था तो वही हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है तो इस क्लोन वाले चक्कर को वो बचा के रख सकते थे लेकिन क्या बताओ उनके पास शायद और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी छुपाए हुए और उन्हें लगा था कि ये वाला जो भी है वो इतना बड़ा भी कोई रिविल नहीं है तो इसको डाल देंगे ट्रेलर में तो या दैट्स ऑल आई फील अबाउट दिस ट्रेलर और प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में जाकर बताओ कि मेरे कौन से कौन से चीज़ के साथ या फिर कौन से कौन से तरीके के साथ आप एग्री करते हो और तुम्हें चैनल पर मेरे बाकी वीडियोज भी देखने को मिल रहे हो तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो एंड एज ऑलवेज़ Thank you so much for watching.